जाने अनजाने की श्रृंखला में बातें एक कलाकार की, एक सुरों के जादूगर की, जिन्होंने पंजाब की मिट्टी में जन्म लिया, फिल्मों में नायक बनने की इच्छा लिए, दिल्ली पहुंचकर संगीत की शिक्षा दीक्षा ली, लाहौर जाकर संगीत की बारीकियों को सीखा, तो कभी सेना में भर्ती होकर देश की सेवा की, गायक बनकर अपनी आवाज से लोगों का दिल बहलाया, तो कभी नायक बनकर सिनेमा के पर्दे पर भी नजर आए। इतना ही नहीं, शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी रचकर बतौर संगीतकार अपना करियर प्रारंभ किया, परंतु ख्याति पाई अपनी नायाब धुनों को रचकर एक विख्यात संगीतकार के रूप में, और हिंदी चलचित्र जगत पर छा गए मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी उर्फ सुप्रसिद्ध संगीतकार खयाम के नाम से। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं संगीतकार खयाम साहब के बारे में। कभी कभी त्रिशूल, नूरी, रजिया सुल्तान, नाखुदा, दिले नादान, थोड़ी सी बेफाई, आहिस्ता आहिस्ता, उमरा जान और बाजार जैसी अनगिनत फिल्मों में नायाब संगीत देने वाले खयाम साहब के संगीत की विविधता ही उन्हें अन्य संगीतकारों से अलग रख। पंजाब की मिट्टी में जन्मे व पले बड़े होने के कारण खयाम साहब के संगीत में हमें ठाट पंजाबी डोक धुने, संगीत में शास्त्रीय संगीत की विविधता, पहाड़ी व यमन रागों के साथ सुर लय व ताल का सुंदर प्रयोग देखने व सुनने को मिलता है, जो संगीत प्रेमियों को स्वतः ही अपनी ओर खींचता है। बचपन की बात करें तो बचपन से खयाम साहब नायक और गायक केएल सहगर और गायिका बेगम अख्तर के बेहद प्रशंसक थे। फिल्में देखने का इन्हें बेहद शौक था। घर से भाग करके वे फिल्में देखने जाया करते थे। कभी संगीतकार बनेंगे ऐसा सोचा नहीं था, क्योंकि उनके मन में तो एक ही सपना था कि एल सहगल जैसा नायक बनने की। और फिर क्या था, मात्र 10 साल की उम्र में अपने सपने को साकार करने के लिए घर छोड़ा और आ पहुंचे दिल्ली अपने चाचा के यहाँ। दिल्ली में स्कूली शिक्षा के साथ साथ खयाम साहब की संगीत की भी शिक्षा प्रारंभ हुई। पंडित अमरनाथ, पंडित उसमलाल और पंडित भगत राम जैसे गुणी शिक्षाविदों के सानिध्य में लगभग 5 साल तक इन्होंने संगीत की शिक्षा दीक्षा ली। शिक्षा पूरी करने के बाद वे वापस पंजाब आए। इसी बीच वो लाहौर भी गए, जहां उन्होंने लोकप्रिय पंजाबी संगीत का जीएस चिश्ती के सहायक बनकर संगीत की बारीकियों को सीखा। घर वालों से कुछ अनबन होने के कारण नाराज होकर कुछ समय के लिए खयाम साहब ने फौज में नौकरी भी की। साल 1943 से साल 1945 तक सेना में नौकरी के बाद वे वापस बम्बई आए, और बम्बई आने के बाद दोबारा उन्होंने चिश्ती साहब से मुलाकात। खयाम साहब नियमित रूप से चिश्ती साहब के पास जाते और विभिन्न प्रकार के वाद्यों को बजाकर उनसे संगीत के अलग अलग धुनों को सीखा करते। इधर चिश्ती साहब के सहायक बनकर खयाम साहब काम तो कर रहे थे, परंतु वे खयाम साहब को कोई मेहनताना नहीं देते थे। ऐसे ही एक बार बी आर चोपड़ा साहब चिश्ती साहब से मिलने आए। वहाँ उन्होंने खयाम साहब को अलग अलग धुने बजाते हुए देखा। तब उन्होंने चिश्ती साहब से कहा, आप इसको मेहनताना क्यों नहीं देते? और फिर क्या था, चोपड़ा साहब के कहने पर खयाम साहब को 125 रुपए प्रति माह मिलने लगा। बतौर संगीतकार खयाम साहब ने सबसे पहले शर्मा जी वर्मा जी के नाम से 1948 की पंजाब प्रोडक्शन की फिल्म हीर राजा में संगीत दिया। इस फिल्म में उन्होंने गीत भी गाया था। और इस जोड़ी में शर्मा जी कौन थे जानते हैं? जी हाँ, खयाम साहब। परंतु विभाजन के बाद रहमान वर्मा साहब पाकिस्तान चले गए और रह गए शर्मा जी। साल 1953 की फिल्म फुटपाथ में खयाम साहब ने स्वतंत्र रूप से संगीत दिया। फिल्म में तलत महमूद का गाया शामी गम की कसम ये गीत बेहद मकबूल हुआ उस समय, और इस फिल्म से ही शर्मा जी भी बन गए संगीतकार खयाम के नाम से। हालांकि इससे पहले उन्होंने साल 1947 की फिल्म रोमियो एंड जूलियट में बतौर गायक गायिका जोराबाई अंबाली वाले के साथ गीत भी गाया था, और बाद की कई फिल्मों में उन्होंने गीता दत्त और मीना कपूर के साथ भी कई गीत गाए। साल 1948 में एसडी नारंग की फिल्म ये है जिंदगी में अभिनय भी किया था, परंतु ये खयाम साहब की पहली और आखिरी फिल्म थी। फिल्म फुटपाथ के बाद 50 व 60 के दशक में उनकी अन्य संगीतबद्ध फिल्में थीं बीबी, प्यार की बातें, फिर सुबह होगी, शोला और शबनम, शगुन, आखिरी खत इत्यादि। इन सभी फिल्मों में लोगों ने उनके संगीत को सराहा, परंतु खयाम साहब को लोकप्रियता मिली 70 व 80 के दशक की फिल्मों से, जब उन्होंने कभी कभी नूरी, त्रिशूल, दर्द, दिले नादान, नाखुदा, सवाल, खानदान, बेपनाह, थोड़ी सी बेफाई, उमराव जान और बाजार जैसे अनगिनत फिल्मों में अपना अविस्मरणीय संगीत रचा। उनके संगीत में जिन मशहूर शायरों व गीतकारों का योगदान रहा, उसमें सर्वप्रमुख थे साहिर लुधियानवी साहब।
साहिर साहब के अलावा उन्होंने जानिसार अख्तर, कैफी आजमी, मजरूर सुल्तानपुरी, नीता फाजली, शहरयार, नक्स लैलपुरी, अहमद वसीम और सरदार जाफरी जैसे उच्च कोटि के शायरों की कलम से निकले गीतों व गजलों को संगीत प्रेमियों ने दिल से स्वीकारा। उनके संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद, आशा भोसले, किशोर कुमार, यसुदास, कब्बन मिर्जा, सुरेश वाटेकर, सुमन कल्याणपुर, जगजीत कौर, अनवर, सुलक्षणा पंडित और तलत अजीज जैसे गायक गायिकाओं ने गीत गाकर उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाया। 1977 की फिल्म कभी कभी और साल 1982 की फिल्म उमराव जान के लिए खयाम साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। साल 1982 की फिल्म उमराव जान के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2007 में संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार, साल 2010 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और साल 2011 में पद्म भूषण और साल 2018 में हृदय नाथ मंगेशकर पुरस्कार से भी वे पुरस्कृत हुए। साथ ही फिल्म नूरी, थोड़ी सी बेफाई और रजिया सुल्तान के संगीत के लिए भी नामांकित भी हुए। बेगम अख्तर की गजलें और मशहूर नायिका मीना कुमारी की गजल संग्रह आई राइट आई डिसाइड, इन गैर फिल्मी एल्बमों को संगीतबद्ध किया था खयाम साहब की मीठी धुनों ने। 18 फरवरी 1927 को पंजाब के राहो शहर में जन्मे खयाम साहब ने 19 अगस्त 2019 को अंतिम सांसें ली और जाते जाते छोड़ गए अपनी सुमधुर धुनों की अनमोल विरासत अपने चाहने वालों के लिए। बुला रहा क्या कोई चिलमनों के उस तरफ, मेरे लिए भी क्या कोई उदास बेकरार है।